सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास किसका होता है? तो आंसर है सेंटर ऑफ मास एक रिजिड बॉडी का होता है। सेंटर ऑफ मास क्या है? सेंटर ऑफ मास एक पॉइंट है। इस पॉइंट की स्पेशलिटी क्या है? इस पॉइंट की स्पेशलिटी और इसको हम किस तरह से निकाल सकते हैं इसके बारे में देखिए। सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट है बॉडी का जिस पर हम ये मान सकते हैं कि उसका पूरा मास लोकेटेड है। इसका क्या मतलब है? जैसे हमने एक सिस्टम को भेजा इस लाइन में और उस सिस्टम में बहुत सारे पार्टिकल हैं, तो उस सिस्टम की वेलोसिटी किस पार्टिकल की वेलोसिटी को मानेंगे? ये एक सिस्टम यहां से ऐसे गया, इसकी वेलोसिटी 10 है, इसकी वेलोसिटी 0 है, 0 ये अपनी जगह पे फिक्स है और इसकी वेलोसिटी 10, ये ऐसे गया। अब इस ये बॉडी आगे बढ़ी कि नहीं बढ़ी? आगे बढ़ गई। कितनी वेलोसिटी से आगे बढ़ी या इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? तो इसका डिस्प्लेसमेंट 0 है, इसका डिस्प्लेसमेंट 10 है एक सेकंड में, तो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट, तो हम ये कहेंगे कि हम ये मान लेते हैं कि ये पूरी बॉडी का मास एक पर्टिकुलर पॉइंट पर सेंटर्ड है, वो पार्टिकल यहां से 4 सेंटीमीटर आगे गया, 4 सेंटीमीटर, तो हम ये मानेंगे कि ये बॉडी कितनी आगे गई, 4 सेंटीमीटर। तो पूरी बॉडी का मास हम एक पार्टिकल पे कंसंट्रेटेड मानते हैं और वो पार्टिकल क्या कहलाता है? सेंटर ऑफ मास। जब वो बॉडी किसी दूसरी बॉडी पर फोर्स लगाएगी तो उस फोर्स को हम ये मान सकते हैं कि बॉडी एक ही पॉइंट से फोर्स लगा रही है और वो पॉइंट है सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास की फिजिक्स में हमने डेफिनेशन क्या बनाई? इसकी डेफिनेशन बड़ी इंटरेस्टिंग है, इसको हम समझ सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक बॉडी है ये, और इसमें बहुत सारे मेंबर्स हैं इस बॉडी के, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ऐसे सारे मेंबर्स हैं। अब हमने क्या किया, हर मेंबर के पास कुछ ना कुछ अपना मास होगा, 1 kg, 1 kg, 1 kg, 1 kg, 1 kg, इस पर हमने फोर्स लगाया 5 न्यूटन और सभी मेंबर्स में हमने उस फोर्स को बांट दिया। फिर से 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, 5 मेंबर्स हैं इसमें ए बी सी डी ई, ये पांचों पर हमने एक एक न्यूटन का फोर्स लगाया, टोटल कितना फोर्स लगाना पड़ा? 5 न्यूटन, एक 1 न्यूटन, 1 न्यूटन, 1 न्यूटन, 5 बॉडी हैं, 5 पार्टिकल हैं, तो कितना फोर्स लगाया? 5 न्यूटन। और 5 न्यूटन फोर्स लगा के हमने जब ऐसे अप्लाई किया तो ये बॉडी ऐसे चली, इसका मोशन देख लीजिए, ऐसे चली, ठीक। अब हमने कहा कि 5 न्यूटन फोर्स अलग अलग जगह पर हम नहीं लगा सकते, एक ही पॉइंट पर हम 5 न्यूटन लगाना चाहते हैं, तो हमको वो पॉइंट बताइए। तो हमने क्या कहा, इस बॉडी पे लगा दो। तो जैसे ही हमने इस बॉडी पे 5 न्यूटन लगाया तो ये ऐसे हो गई। पहला मोशन कैसा था? स्ट्रेट लाइन। अभी इसका मोशन ऐसा हो गया। जब हम उस 5 न्यूटन को यहां लगाते हैं तो ये ऐसे हो जाती है, जब हम उसको यहां लगाते हैं तो ये ऐसे हो जाती है। हम क्या चाहते हैं कि ये ऐसे जाए जैसे पहले जा रही थी। तो हमने बार बार ट्रायल एंड एरर किया, यहां किया, यहां किया, यहां किया, यहां किया, करते करते हमको एक पॉइंट मिल गया। उस पॉइंट पर जब हमने 5 न्यूटन लगाया तो देखा कि ये ऐसा वही मोशन आ गया। पहले 5 न्यूटन कैसे लगाया था? डिफरेंट पॉइंट्स पर एक मोशन हमको मिला। अब वो पूरा 5 न्यूटन एक सिंगल पॉइंट पर लगाया, फिर से वही मोशन मिला, तो वो वाले पॉइंट को हम बोलेंगे सेंटर ऑफ मास, वो सेंटर ऑफ मास है। फिर से देखिए, ये सारे 5ों मेंबर अर्थ की तरफ फोर्स लगा रहे थे, कितनी लोकेशन पर? 5 लोकेशन पर, यहां 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 यहां, ये अर्थ की तरफ मत गिरें, इसलिए
मेरे को 5 फोर्स लगाने पड़े, यहां 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 और यहां, ये ऐसे मैंने पांचों के पांचों को काउंटर फोर्स दिया और किसी को फोर्स नहीं लगाने दिया, ये नीचे नहीं गिर रहा। अब देखिए मैंने किसी को भी पांचों को नहीं दिया, इस पॉइंट पे रख दिया और फिर से ये नीचे नहीं गिर रहा। इसका क्या मतलब है कि वो पांचों मिलकर, हम क्या मान सकते हैं, पांचों मिलकर कहां पर काम कर रहे हैं, इस पॉइंट पे काम कर रहे हैं, क्योंकि मैं तो इसी को फोर्स लगा रहा हूं और इसको रोक रहा हूं, सेम चीज। इसका मतलब क्या हुआ, ऑल द 5 पॉइंट्स द मास इज सपोज टू बी कंसंट्रेटेड एट 1 पॉइंट, क्योंकि अब मैं इन पांचों पर, पांचों मेंबर पर फोर्स लगाने की बजाय एक सिंगल पॉइंट पर फोर्स लगा रहा हूं और ये खड़ा हो गया। इसका ये मतलब है कि पूरे मास को हम क्या मान सकते हैं, इस पॉइंट पर कंसंट्रेटेड है। ये कौन सी डेफिनेशन हुई, दैट सेंटर ऑफ मास इज सच ए पॉइंट वेयर ऑल द मास इज सपोज टू बी कंसंट्रेटेड। एक चीज हो गई, मैं अभी लिखवाता हूं आपको फिर से। इसके पहले मैं आपको क्या समझा रहा था उसको सुनिए, उसकी लैंग्वेज समझ आती कि नहीं। इफ वी अप्लाई फोर्स ऑन ए बॉडी ऑन इंडिविजुअल मेंबर्स देयर विल बी सर्टेन इफेक्ट ऑफ द फोर्स। वी आर अप्लाइंग फोर्स ऑन द डिफरेंट पार्टिकल्स। इफ वी अप्लाई दिस फोर्स ऑन ए सिंगल पार्टिकल ऑन ए सिंगल पॉइंट सो दैट द इफेक्ट इज सेम, इफेक्ट इज सेम, देन दैट पॉइंट विल बी नोन एज सेंटर ऑफ मास। तो ये सेंटर ऑफ मास की दो डेफिनेशन है। अब ये दोनों समझ में आई आपको, ये सेंटर ऑफ मास होता है, ठीक है। तो अब इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो ये दोनों डेफिनेशन जो मैंने आपको बताई उसको आप इस तरह से नोट कर सकते हैं। इन तीनों पॉइंट पर अगर हम F1, F2, F3 फोर्स लगाएंगे, इट विल हैव द सेम इफेक्ट एज इफ F1, F2, F3 इज अप्लाइड ऑन दिस सिंगल पॉइंट। देयरफॉर दिस पॉइंट विल बी नोन एज सेंटर ऑफ मास। तो ये डेफिनेशन दोनों नोट कर लीजिए। आई होप अब इसका मीनिंग आपको समझ में आ गया। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमको एक सिस्टम दिया गया जिसके पास बहुत सारे मेंबर्स हैं एंड वी हैव टू फाइंड आउट कि उसका सेंटर ऑफ मास कहां पर है। तो इसके लिए हमने अपनी डेफिनेशन को काम में लाया। हमारी डेफिनेशन क्या कहती है कि कोई भी कैरेक्टरिस्टिक का हर पॉइंट पर जो इफेक्ट होगा, सेम इफेक्ट हमको मिलेगा अगर वो कैरेक्टरिस्टिक हम कहां लगा दें, सेंटर ऑफ मास पर लगा दें, ठीक है।
कैरेक्टरिस्टिक यानी फोर्स, मोमेंटम, कोई भी चीज। तो हमारे पास एक सिस्टम है, उस सिस्टम में ये बहुत सारे मेंबर्स हैं, ये ओके, इसके पास मास m1 है, इसके पास m2, इसके पास m3, इसके पास m4, ये चार मेंबर का ये सिस्टम बना हुआ है। ऐसे कितने भी मेंबर हो सकते हैं, हमको इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है। ओके, हमने माना इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहीं पर है, लेट अस से यहां पर है सेंटर ऑफ मास। अब हमने यहां पर एक इमेजिनरी एक्सिस बनाई, कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया, और उस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये मान लीजिए इस तरह से ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये ओरिजिन है। कन्वीनियंस के लिए इसको थ्री डायमेंशनल की बजाय टू डायमेंशनल मान लेते हैं, थ्री डायमेंशनल होगा तो भी सेम रिजल्ट देगा। ये हमारा ओरिजिन है, ओरिजिन से इसका पोजीशन वेक्टर ये हमने लिया, दिस इज आर वन, इसका पोजीशन वेक्टर ये है आर टू, इसका पोजीशन वेक्टर आर थ्री, और इसका पोजीशन वेक्टर आर फोर। सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं होगा, हम ये मानते हैं कि उस सेंटर ऑफ मास का भी एक पोजीशन वेक्टर है, ये सेंटर ऑफ मास, और ये पोजीशन वेक्टर है कैपिटल आर, ये ठीक है। इस पॉइंट को हमने रोटेशनल मोशन में पॉइंट ऑफ रोटेशन बनाया, पॉइंट ऑफ रोटेशन मान लिया। अब मैं चाहता हूं कि हर मास का इंडिविजुअल इफेक्ट निकाला जाए, इंडिविजुअल इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, मोमेंट। तो हर मास इस रोटेशन में जो कि पॉइंट ओ के चारों तरफ हो रहा है, इस रोटेशन में हर मास का इफेक्ट कितना है, हर मास का मोमेंट कितना है, तो मोमेंट ऑफ ऑल द मासेस m1 r1 m2 r2 m3 r3 mn rn, ये क्या हो गया, सम ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल द मासेस। अब हमने क्या किया, ये डेफिनेशन याद रखिए, हमारी डेफिनेशन क्या कहती है, इट इज दैट पॉइंट वेयर ऑल द मास इज सपोज टू बी कंसंट्रेटेड। अगर हमने यहां पर सेंटर ऑफ मास माना, ये इसका डिस्टेंस है, तो हम यहां पर क्या रखा हुआ मानते हैं, सारे के सारे मास यहां रखें, तो उसका मोमेंट कितना हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑल द मास इज सपोज टू बी कंसंट्रेटेड एट सेंटर ऑफ मास, देयरफॉर इट्स मोमेंट, इट्स मोमेंट इज एम वन प्लस एम टू प्लस एम एन, पूरा का पूरा मास, और अब डिस्टेंस हमने सिर्फ एक कितना लिया आर, ये इसका पोजिशन वेक्टर, ये इसका मोमेंट आ गया। ये मोमेंट किस डेफिनेशन से लिया हमने, सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन से, ओके। अब हमारी डेफिनेशन के अनुसार दोनों का इफेक्ट कैसा होना चाहिए, सेम, therefore सेंटर ऑफ मास वाला ये
अब इसमें हमने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन अपनी तरफ से कर लिया कि सारे पार्टिकल का मास मिलकर क्या बनाता है, पूरी बॉडी का मास। सभी पार्टिकल का मास मिलकर अगर पूरी बॉडी का मास बनता है तो उस पूरी बॉडी के मास को हम कैपिटल एम मान लेते हैं। क्या मानेंगे? कैपिटल एम। तो अब इस मोमेंट को हम क्या लिख सकते हैं? एम इंटू आर। एम इंटू आर इज इक्वल टू इंडिविजुअल मोमेंट्स ये आ गया, ये दोनों इक्वल हो गए। देयरफोर पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आर, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आर इज इक्वल टू एम वन आर वन एम टू आर टू एम एन आर एन to be divided by m, and what is capital M? We know that is sum of all the masses. ये हमारा formula बना। This gives us the position of center of mass. तो ये सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकालने का फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूला से पोजीशन निकलेगी, ये किस तरह से होगा इसको देख लेते हैं। फाइंडिंग सेंटर ऑफ मास, पहले लेते हैं टू पार्टिकल सिस्टम। दिस इज अ पार्टिकल, दिस इज अ पार्टिकल इन वन सिस्टम, एक सिस्टम ये दो पार्टिकल का बना हुआ है, जैसे अर्थ एंड मून। दिस इज अ सिस्टम। सोडियम क्लोराइड NaCl, that is a system. इस तरह से टू पार्टिकल सिस्टम होते हैं। ओके, उनके बीच का कुछ डिस्टेंस है, लेट अस से दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू आर। अब इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा? तो टू पार्टिकल सिस्टम में एक कंपल्सरी कंडीशन है कि सेंटर ऑफ मास उसके जो लाइन जॉइनिंग द टू मासेस है उस पर ही होगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, आपको याद रखना है। द सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम ऑलवेज lie on the line joining the two masses. ठीक, हमने उस पॉइंट को कहीं ना कहीं मान लिया। मान लीजिए वो पॉइंट यहां पर है, ये सेंटर ऑफ मास। यहां पर अगर सेंटर ऑफ मास है तो हमको इसकी लोकेशन चाहिए।
तो अगर हम इसकी पोजीशन पूछते हैं, अगर इसकी लोकेशन पूछते हैं, तो इसकी लोकेशन के लिए हमको कहीं ना कहीं से नापना पड़ेगा। जहां से नापेंगे उस पॉइंट को कहेंगे ओरिजिन। तो हमारी मर्जी है, ओरिजिन आर्बिट्रेरी होती है। हम ओरिजिन M1 से नापते हैं, M2 से नापते हैं, या कहीं से भी नाप सकते हैं, हमारी इच्छा है। तो इस पॉइंट को हमने ओरिजिन मान लिया O। ये ओरिजिन, ये सेंटर ऑफ मास, ओरिजिन से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस हमने ले लिया R। सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस कैपिटल R। ओके, ये सेटल हो गया। अब हम अपना फॉर्मूला लगाते हैं। हमारा फॉर्मूला क्या है? अभी अभी जो आपने किया यहां पर, ये फॉर्मूला R इज इक्वल टू दिस दिस। R इज इक्वल टू ये हमारा फॉर्मूला है, अभी आपने किया था, ठीक। तो शुरू करते हैं। ये रहेगा M1 R1। मुझे ये बताइए R1 क्या चीज थी? ओरिजिन से मास वन का डिस्टेंस। यहां पर हमने ओरिजिन कहां मानी है? इस पॉइंट पर। मास वन कहां है? इस पॉइंट पर। तो इस पॉइंट का इस पॉइंट से डिस्टेंस कितना? जीरो। तो इसलिए इसको हम क्या लिखेंगे? जीरो। M2, R2, M2 का डिस्टेंस ओरिजिन से कितना है? R। सो इसको क्या लिखेंगे? R डिवाइडेड बाय ये आ गया, ठीक है। इसमें ओरिजिन को एक मास पर लेने का बेनिफिट ये होता है कि हमारी कैलकुलेशन बहुत छोटी हो जाती है, क्योंकि ये जीरो हो जाएगा। इसलिए याद रखिए, ओरिजिन को हमेशा एक मास पर ही लीजिए, किसी भी जगह पर लीजिए, भले M1 पर लो, भले M2 पर लो, भले सेंटर ऑफ मास पे लो, ठीक है। ओके, अब देखिए हमारा ये पार्टिकल सिस्टम है M1 M2, M1 M2, और ये इसका सेंटर ऑफ मास है। सेंटर ऑफ मास से M1 का डिस्टेंस है R1, और सेंटर ऑफ मास से M2 का डिस्टेंस है R2। यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो गया? R1 प्लस R2। ये R1, ये R2। तो यहां पर इक्वेशन देखिए, ओरिजिन कहां माननी है? हमारी इच्छा है। तो यहां पर हमने ओरिजिन मानी सेंटर ऑफ मास पे। लेट ओरिजिन बी एट सेंटर ऑफ मास। तो M1 का मोमेंटम कितना हुआ बताइए? M1 इंटू R1, M1 इंटू R1, ठीक है। M2 का मोमेंटम कितना हुआ? M1 R1, M2 R2, ये दोनों के मोमेंटम की डायरेक्शन एक दूसरे से उल्टी है। ये चीज आपको समझ में आती है? देखिए, M1 से अगर ऐसा दबाइए तो ये रॉड कैसा घूमेगा? क्लॉक की एंटी क्लॉकवाइज, ऐसा एंटी क्लॉक। तो ये कैसा होगा? पॉजिटिव। M2 को दबाइए, रॉड कैसा घूमेगा? क्लॉकवाइज। तो ये कैसा साइन हुआ? माइनस। ये इसलिए दोनों का सम लेंगे तो ये आएगा। समझ आया? पॉजिटिव और नेगेटिव विद सम लेना। दिस इज इक्वल टू M इंटू R। R क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ मास।
तो अगर हमने इसको ओरिजिन लिया है तो इस पॉइंट का सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस बोलिए कितना, जीरो। इसलिए ये क्या हो जाएगा, जीरो। अगर ये जीरो हो गया तो इसको इधर ले जाइए, एम वन आर वन इज इक्वल टू एम टू आर टू। ओरिजिन कहां पर है, ओरिजिन एट सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो अगर ओरिजिन एट सेंटर ऑफ मास होती है तो टू पार्टिकल सिस्टम में एम वन आर वन इज इक्वल टू एम टू आर टू होता है। एम वन आर वन इज इक्वल टू एम टू आर टू, इससे हमको और क्या दो चीजें मिलती हैं। पहला रिजल्ट, एम वन अपॉन एम टू इज इक्वल टू आर टू अपॉन आर वन। इसका मतलब होता है एम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। आर वन और आर टू क्या हैं, तो आंसर है आर वन और आर टू सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंसेस हैं। यहां देखिए R1 and R2 are distances from center of mass. तो center of mass का distance किधर छोटा होगा, फिर से M1 R1 is equal to M2 R2। अब बताइए अगर ये दोनों equal होते हैं, M2 अगर बड़ा है तो R2 कैसा होगा, छोटा, क्योंकि दोनों को equal रहना है। इसलिए जो ज्यादा मास होगा उसका सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस कम होगा। अब इसी को दूसरे शब्दों में बताइए, दो पार्टिकल सिस्टम का सेंटर ऑफ मास किसके नजदीक है, किसके क्लोजर है, इज इट क्लोजर टू हैवियर मास और लाइटर मास, हैवियर मास। हैवियर मास जितना होगा सेंटर ऑफ मास उसके उतना क्लोज हो जाएगा, सो दैट एम इंटू आर विल बी सेम एज एम इंटू आर। समझ आया, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिसको आपको याद रखना है। मास हैवी होगा तो उसका डिस्टेंस कम होगा, और इसको अब हम लिख लेते हैं। देयरफोर सेंटर ऑफ मास इज क्लोजर टू हैवी मास, क्लोजर टू हैवी मास। अब बताइए अर्थ और मून ये दोनों एक सिस्टम है, इस सिस्टम में सेंटर ऑफ मास किसके क्लोज होगा, अर्थ के क्लोज होगा। सोडियम क्लोराइड में सेंटर ऑफ मास किसके क्लोज होगा, केमिस्ट्री आ गया बीच में, हाँ क्लोरीन 35, क्लोरीन ज्यादा हैवी होता है, सो इट इज क्लोजर टू क्लोरीन। HCl में, HCl obvious, H का 1 होता है और Cl का 35, so this gives us कि center of mass हमेशा heavier mass के नजदीक होता है। अब इससे हमको एक चीज और मिलती है, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए यहां पर सिर्फ दो पार्टिकल थे, अगर इसकी जगह 100 पार्टिकल हो जाएंगे, एक सेंटर ऑफ मास है और उसके चारों तरफ n पार्टिकल्स हैं, ये सेंटर ऑफ मास है, इसके चारों तरफ ऐसे n पार्टिकल्स हैं, और उन n पार्टिकल्स पर जब हम फोर्स लगाएंगे तो सब अपना अपना इफेक्ट दिखाएंगे। ओके, सेंटर ऑफ मास की अगर हमने कोई पोजीशन ली और एनी नंबर, उसमें कुछ पार्टिकल ऐसे होंगे, जैसे ये एक सिस्टम है, दिस 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 दिस, मेनी पार्टिकल्स आर देयर, एम वन एम टू एम थ्री एम फोर एम फाइव, और इनका सेंटर ऑफ मास कहीं पर है, सेंटर ऑफ मास इज हियर। अगर हम सेंटर ऑफ मास को ओरिजिन मान लें और यहां से ये सब डिस्टेंसेस क्रिएट करें, पोजिशन R1, R2, R3, R4, R5, ऐसे, तो जितने मासेज हैं
सबके मोमेंट्स बनेंगे, एम वन आर वन, एम टू आर टू, एम थ्री आर थ्री, इस तरह से बनते चले जाएंगे, एम एन आर एन, सेंटर ऑफ मास। इन सब का हमने सम किया, अगर इन सब का सम कर दिया तो वो सम किसके बराबर होगा? लेट ओरिजिन बी एट सेंटर ऑफ मास, तो ये सब का सम किसके बराबर होगा? टोटल मास इनटू पोजीशन फ्रॉम सेंटर ऑफ मास। अब ये टोटल मास कहां रखा हुआ है? सेंटर ऑफ मास पे। हमने ओरिजिन भी कहां पर माना? सेंटर ऑफ मास पे। ओरिजिन, लेट ओरिजिन बी एट सेंटर ऑफ मास। तो अगर ओरिजिन भी सेंटर ऑफ मास है तो ये वाले आर की वैल्यू क्या होगी? जीरो, ठीक है, क्योंकि ये आर क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू सेंटर ऑफ मास। ये तो ये हो गया जीरो। ये दिस इज द रिजल्ट विच आई वॉन्ट यू टू रिमेंबर, कि अगर सेंटर ऑफ मास को हम ओरिजिन माने तो उसके चारों तरफ के मोमेंट्स का सम कितना होता है? जीरो। और इसको आप समझ सकते हैं, इधर सब के सब मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, उधर वाले सब मोमेंट कैसे घुमा रहे हैं? क्लॉकवाइज, यानी कुछ पॉजिटिव हैं और कुछ नेगेटिव हैं, और दोनों का सम मिला के कितना हो जा रहा है? जीरो। तो सेंटर ऑफ मास की ये स्पेशलिटी होती है, इस स्पेशलिटी को आगे बहुत कैलकुलेशंस में हमने यूज करते हैं, और जहां हम जाके लिखते हैं एम वन आर वन प्लस एम टू आर टू प्लस एम थ्री आर थ्री प्लस एम फोर आर फोर इज इक्वल टू जीरो, तो सब मुंह खुला कर देते कैसे जीरो हो गया। तो ये याद रखिए, इसका रिजल्ट याद रखिए, क्या चीज है? मोमेंट अबाउट सेंटर ऑफ मास इज ऑलवेज जीरो, ठीक है। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। जितने भी एम आर आ जाएं, एक पार्टिकल एक लाख, एक सिस्टम एक लाख पार्टिकल से बना हुआ है। सेंटर ऑफ मास को आप ओरिजिन मानिए, सबका एम वन आर वन एम टू आर थ्री एम थ्री आर फोर सबका लीजिए, टोटल का सम कितना हो जाएगा? जीरो। क्यों? सेंटर ऑफ मास से आधे इधर रहेंगे मास, आधे इधर रहेंगे, इसीलिए उसका सम हमेशा जीरो होगा। सो दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, ये आपको याद रखना है। इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये इसका एक्सटेंशन है, ये इसका एक्सपेंशन है, अप टू आर एन, दिस इज इक्वल टू जीरो। ये ठीक है, तो ये सेंटर ऑफ मास का एक कैलकुलेशन हो गया। उसके बाद एक चीज सेंटर ऑफ मास के बारे में जो आपको याद रखनी है, दैट इज इफ फोर्स इज अप्लाइड ऑन सेंटर ऑफ मास देन इट गिव्स लीनियर मोशन एंड ऑल द फोर्स रूल्स ऑल द लॉज ऑफ मोशन कैन बी अप्लाइड ऑन ए बॉडी इफ यू कंसिडर दैट द टोटल मास ऑफ द बॉडी इज कंसेंट्रेटेड एट सेंटर ऑफ मास। फिर से मैं इसको ईजी शब्दों में बताता हूं, जो हमारे लॉज ऑफ मोशन हैं वो एक पॉइंट मास पर एप्लीकेबल होते हैं, पॉइंट मास पर। सिस्टम ऑफ पार्टिकल में पॉइंट मास नहीं होता है, हर सिस्टम के एक एक पार्टिकल के पास मास है, और हम लॉज ऑफ मोशन अप्लाई करना चाहते हैं, लेकिन लॉज ऑफ मोशन का क्या रूल है कि वो किस पर अप्लाई होता है? पॉइंट मास पे। तो हमने उसका एक तोड़ निकाल लिया, हमने कहा कि देखिए सेंटर ऑफ मास एक ऐसी लोकेशन होती है जहां पर हम ये मान सकते हैं कि पूरा का पूरा मास एक पॉइंट पे कंसंट्रेटेड है, तो हम उस पूरी बॉडी को भूल गए, हमने एक पॉइंट याद रखा, कौन सा? सेंटर ऑफ मास। और क्या याद रखा? पूरा मास वहां पर है। अब हम क्या कर सकते हैं? इस पर लॉज ऑफ मोशन लगा सकते हैं। तो किसी भी बॉडी पर अगर हमको लॉज ऑफ मोशन लगाने हैं तो किस पॉइंट पर लगाए जाएंगे? सेंटर ऑफ मास पर लगाए जाएंगे।
जैसे एक व्हील इतना बड़ा है या एक सिस्टम है, उसके पांच अलग अलग पार्टिकल हैं और उस पर हमने फोर्स लगाया और वो घूमते हुए जा रहा है, तो वहां पर हम वेलोसिटी किसकी गिनेंगे? जैसे ये हमारे हाथ में साइकिल का पैडल आपने देखा है, ये एक रॉड होता है, एक इधर पैडल निकला हुआ है, एक इधर पैडल निकला हुआ है, बड़ी अजीब सी शेप बनती है, उसको हमने उठा के फेंका, उसका कुछ मास होगा, उस पर हमने फोर्स लगाया, फोर्स डिवाइडेड बाय मास करेंगे तो क्या आएगा? एक्सेलरेशन। वो एक्सेलरेशन अगले पैडल का होगा, पिछले पैडल का होगा, बीच वाले सेंटर का होगा, किसका होगा? आप समझ रहे हैं बात को? उसको हमने ऐसे फेंका, ये अगला पैडल ऐसा घूम रहा है, किधर जा रहा है? आगे। ये पैडल किधर जा रहा है? पीछे। ये ऐसा, देखिए इस तरह से फेंका। तो हमने कैलकुलेशन किया कि हमने 10 न्यूटन फोर्स लगाया और इसका मास 2 केजी है, तो एक्सेलरेशन कितना हुआ? 10/2, 5। ये 5 एक्सेलरेशन किसका है? ये वाले का है, ये वाले का है, कि किसका है? सो आंसर इज वेरी क्लियर, ये 5 एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का है। क्यों? क्योंकि ये जो फॉर्मूला है फोर्स अपॉन मास पॉइंट मास के लिए है, तो पैडल पॉइंट मास नहीं है, ये पैडल भी पॉइंट मास नहीं है, पूरे सिस्टम का मास कहां रखा हुआ माना जाएगा? सेंटर ऑफ मास में, वो पॉइंट मास है, इसलिए वो एक्सेलरेशन किसका? सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन होगा। समझ में आया? तो जब भी हम एक बड़ी बॉडी पर, एक सिस्टम पर लॉज ऑफ मोशन अप्लाई करते हैं, तो लॉज ऑफ मोशन किस पर अप्लाई होते हैं? तो आंसर है सेंटर ऑफ मास पर अप्लाई होते हैं। ठीक है, इसी तरह से हमारे जितने भी लॉज हैं, जैसे इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी देन इट्स मोमेंटम इज कंजर्व्ड, ये हमने सबने पढ़ा हुआ है, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, याद आ रहा है? ओके, अगर किसी चीज का मोमेंटम कंजर्व्ड है, उसका मास भी कंजर्व्ड है, तो बाकी क्या बचा? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी भी कैसी होगी? कंजर्व्ड। सो मोमेंटम इज कंजर्व्ड कब? व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स। इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, दिस इज व्हाट? कंजर्वेशन। कंजर्वेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज applied on the body, then path of center of mass is conserved. ये principle note करिए और इसका एग्जाम्पल देखिए। यहां से एक तोप से एक गोला निकलता है और वो एक प्रोजेक्टाइल मोशन बनाते हुए ऐसा जाता है, ये इस तरह से जाएगा। अब क्या हुआ? फिर से हमने इस तोप से एक गोला चलाया, पहले इधर सब देख के समझ लीजिए, यहां से हमने गोला चलाया, वो गोला यहां तक पहुंचा और यहां पहुंच के फट गया, यहीं पे ब्लास्ट हो गया। जब ये यहां पर ब्लास्ट हुआ तो इसके कुछ पार्टिकल ऐसे उड़े, कुछ पार्टिकल ऐसे उड़े, कुछ पार्टिकल ऐसे उड़े, इस तरह से, तो सबके अलग अलग रास्ते हो गए। यहां से ये पार्टिकल, इसको एक सेकंड बाद यहां जाना था, 2 सेकंड बाद यहां, 3 सेकंड बाद यहां, 4 सेकंड बाद यहां। अब यहां से 1 सेकंड बाद ये यहां पहुंचता है, ये यहां है, ये यहां है, इन तीनों का सेंटर ऑफ मास हमने निकाला, यहां मिला, ये सेंटर ऑफ मास। 2 सेकंड बाद ये यहां था, ये यहां था, ये यहां था, इन तीनों का हमने सेंटर ऑफ मास निकाला, वो सेंटर ऑफ मास यहां आया। 3 सेकंड बाद ये सेंटर ऑफ मास था, तीनों का सेंटर ऑफ मास यहां आया।
तो हमने क्या देखा कि भले ये तीनों अलग अलग जा रहे हैं, इनके सेंटर ऑफ मास का रूट ये है, ये। और देखिए ये रूट सेम है जो ये रूट है, तो सेंटर ऑफ मास ने अपना रूट नहीं बदला, जबकि ब्लास्ट हो गया, हर पार्टिकल अलग अलग जगह चला गया। ये एग्जाम्पल किस चीज का है? कंजर्वेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी हमेशा कंजर्व होती है। दिस इज वन एग्जाम्पल। इससे रिलेटेड एक बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो कि हमको सोचना पड़ता है। एक इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं, आप सोच के आइएगा अगली बार। टग ऑफ वॉर आपने देखा है, स्कूल में होता है, एक रस्सी खींचते हैं और दोनों तरफ से फोर्स लगाते हैं, ओके, कौन जीतता है? जो ज्यादा फोर्स लगाता है। अच्छा, हमने एक न्यूटन थर्ड लॉ पढ़ा है, वो क्या बताता है? यस, यानी एक बॉडी दूसरी बॉडी पर जितना फोर्स लगाएगी उतनी ही बॉडी पहली बॉडी पर फोर्स लगाएगी। दोनों के फोर्स कैसे होंगे? इक्वल। अगर दोनों के फोर्स इक्वल होंगे तो टग ऑफ वॉर में एक तरफ की पार्टी कैसे जीत जाती है? कौन जीतता है? अभी आपने क्या बोला? जो ज्यादा फोर्स लगाता है। और न्यूटन क्या क्या कहना है कि दोनों के फोर्स कैसे होते हैं? इक्वल। देख लीजिए, सिस्टम के दो ही तो मेंबर हैं, एक इधर की पार्टी और एक इधर की पार्टी, ये दोनों बॉडी एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं, और फोर्स कैसा होगा? इक्वल। ठीक है, अगर इक्वल होगा तो एक पार्टी जीतेगी कैसे? नहीं, ये पूरे के पूरे इधर 10 लड़के खड़े हैं, वो 10 किसको खींच रहे हैं? ये वाले 10 को, ये 10 इस 10 को खींच रहे हैं। तो बीच में एक रस्सी है, उस रस्सी के दोनों तरफ का फोर्स, दोनों तरफ दो बॉडी लगी है, जितना आप इधर खींचेंगे उतना ही रिएक्शन होगा उधर खींचेगा। तो फिर कैसे होता है कि एक पार्टी जीत जाती है? सोचिए। अच्छा ठीक है, दोनों रस्सी को खींचते चले जाते हैं, रस्सी को खींचते चले जाते हैं, और ये यहां पर दो खड़े हैं, एक का, एक में जितने मेंबर्स हैं उनका वेट है 500 kg, ये जितने मेंबर्स हैं उनका वेट है 600 kg। ये दोनों एक दूसरे को खींचते हैं और खींचते हुए आगे चले जाते हैं। एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पर दोनों एक दूसरे को मिल जाते हैं, खींचते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, खींचते खींचते एक पॉइंट पर मिलते हैं। तो उस पॉइंट की लोकेशन क्या है? ये टोटल, ये जो रस्सी है ये 22 मीटर लंबी है। ये क्या हो रहा है? टग ऑफ वॉर। फाइंड लोकेशन ऑफ पॉइंट वेयर टू टीम्स विल मीट। इसको नोट करिए और सोच के आइए, अगली बार बताइए। और आपको विद रीजन बताना कि अगर ये दोनों एक दूसरे को खींचते चले जाते हैं तो एक पॉइंट पर तो मिलेंगे जाकर, वो पॉइंट कहां है? इस 22 मीटर के अंदर ही होगा, कहां पर होगा ये आपको निकालना है। तो सेंटर ऑफ मास के हमको अब क्वेश्चन करने हैं डिफरेंट टाइप के। अगर हमारे पास थ्री पार्टिकल सिस्टम है, थ्री डायमेंशनल सिस्टम है, अलग अलग डिफरेंट शेप्स के सिस्टम है, तो सबके सेंटर ऑफ मास कहां पर होंगे? तो इसलिए अगली क्लास में एक बार और हम लोग सेंटर ऑफ मास के न्यूमेरिकल करेंगे, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, और एग्जामिनेशन में वो न्यूमेरिकल ही आएंगे। ठीक है, सो वी विल डू दैट इन द नेक्स्ट क्लास। वहाँ पे आर्ट भी आ रही है।
M3 आना चाहिए मुझे, M3 है वहाँ पे। वो कोई बात नहीं है, कोई से नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, R3 आना चाहिए था लिखने में, वैसा रोटेशन।